अमरीका ने पाकिस्तान के साथ तवील उलमदत सिक्योरिटी पार्टनरशिप के अज़म का इजहार किया है। इस अज़म का अयादा अमरीकी वज़ीर दिफा मार्क एस्पर ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू में किया। तर्जुमान पेंटागन के मुताबिक अमरीकी वज़ीर दिफा ने अफगान मुफामती अमल के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा है। मार्क एस्पर ने पाकिस्तान के साथ करीबी सिक्योरिटी तआवुन को जारी रखने के अज़म का भी इजहार किया है। मज़ीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे ज़ीशान भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान बताएगा मज़ीद क्या बताया गया है तर्जमान पेंटागन की जानिब से। बिल्कुल देखिए, तर्जमान पेंटागन की जानिब से जो रिलीज जारी की गई है उसमें ये कहा गया है कि अमरीकी सेक्रेटरी दिफा का आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से टेलीफोनिक रब्ता हुआ है, जिसमें उन्होंने जो 29 फरवरी को अमरीका और जो तालिबान थे उनके दरमियान माहिदा हुआ था उसमें पाकिस्तान का जो किरदार था और पाकिस्तान की हमायत थी उसको उन्होंने सराहा है और ये कहा कि पाकिस्तान ने इस तमाम तर मरहले में अहम किरदार अदा किया है, जबकि सेक्रेटरी दिफा ने मुस्तकबिल में पाकिस्तान के साथ करीबी सिक्योरिटी तआवुन को जारी रखने का खैर मकदम किया। और इसके अलावा अमरीकी सेक्रेटरी दिफा ने पाकिस्तान के साथ तवील मुद्दत बहमी फायदा मंद सिक्योरिटी पार्टनरशिप का अहदा किया और ये तमाम सब चीजें जो तर्जमान पेंटागन की जानिब से जारी की गई है। और ये कहा गया है कि सेक्रेटरी दिफा ने आर्मी चीफ पाकिस्तान जो है जनरल कमर जावेद बाजवा से टेलीफोन में रब्ता करके ये तमाम। ज़ीशान आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। अमरीका ने पाकिस्तान के साथ तवील उलमदत सिक्योरिटी पार्टनरशिप के अज़म का इजहार किया है। इस अज़म का अयादा अमरीकी वज़ीर दिफा मार्क एस्पर ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू में किया। तर्जुमान पेंटागन के मुताबिक अमरीकी वज़ीर दिफा ने अफगान मुफामती अमल के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा है। मार्क एस्पर ने पाकिस्तान के साथ करीबी सिक्योरिटी तआवुन को जारी रखने के अज़म का भी इजहार किया है। मज़ीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे ज़ीशान भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान बताएगा मज़ीद क्या बताया गया है तर्जमान पेंटागन की जानिब से। बिल्कुल देखिए, तर्जमान पेंटागन की जानिब से जो रिलीज जारी की गई है उसमें ये कहा गया है कि अमरीकी सेक्रेटरी दिफा का आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से टेलीफोनिक रब्ता हुआ है, जिसमें उन्होंने जो 29 फरवरी को अमरीका और जो तालिबान थे उनके दरमियान माहिदा हुआ था उसमें पाकिस्तान का जो किरदार था और पाकिस्तान की हमायत थी उसको उन्होंने सराहा है और ये कहा कि पाकिस्तान ने इस तमाम तर मरहले में अहम किरदार अदा किया है, जबकि सेक्रेटरी दिफा ने मुस्तकबिल में पाकिस्तान के साथ करीबी सिक्योरिटी तआवुन को जारी रखने का खैर मकदम किया। और इसके अलावा अमरीकी सेक्रेटरी दिफा ने पाकिस्तान के साथ तवील मुद्दत बहमी फायदा मंद सिक्योरिटी पार्टनरशिप का अहदा किया और ये तमाम सब चीजें जो तर्जमान पेंटागन की जानिब से जारी की गई है। और ये कहा गया है कि सेक्रेटरी दिफा ने आर्मी चीफ पाकिस्तान जो है जनरल कमर जावेद बाजवा से टेलीफोन में रब्ता करके ये तमाम। ज़ीशान आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। अमरीका ने पाकिस्तान के साथ तवील उलमदत सिक्योरिटी पार्टनरशिप के अज़म का इजहार किया है। इस अज़म का अयादा अमरीकी वज़ीर दिफा मार्क एस्पर ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू में किया। तर्जुमान पेंटागन के मुताबिक अमरीकी वज़ीर दिफा ने अफगान मुफामती अमल के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा है। मार्क एस्पर ने पाकिस्तान के साथ करीबी सिक्योरिटी तआवुन को जारी रखने के अज़म का भी इजहार किया है। मज़ीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे ज़ीशान भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान बताएगा मज़ीद क्या बताया गया है तर्जमान पेंटागन की जानिब से। बिल्कुल देखिए, तर्जमान पेंटागन की जानिब से जो रिलीज जारी की गई है उसमें ये कहा गया है